मामला बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हकीमपुर शंकरगंज उर्फ गांवड़ी का है, जहां के रहने वाले चंद्रपाल सिंह, श्रीराम सिंह, ऋषिपाल सिंह, बलदेव रामप्रसाद, मगन सिंह ने धामपुर पुलिस को शिकायत पत्र सौंप कर अवगत कराया कि उनके गांव के दक्षिण दिशा में हम सभी के आम के बाग आ रहे हैं, जिनमें से फलदार वृक्षों की संख्या बहुत ज्यादा है। आरोप है कि गांव निवासी राजू और अंकित पुत्र संतराम और अमित पुत्र धर्मपाल ने अपने खेतों में जानबूझकर आग लगा दी। आग के विकराल होने के चलते आम के बागों में आग फैल गई। आग से लगभग 10 एकड़ जमीन में खड़े हरे भरे राम के पेड़ों को नुकसान हो गया है। और मामले की सूचना पर पहुंचे हल्का दरोगा विजेंद्र धाम और कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने जांच में मामला सही पाया और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी को प्रेषित करने की बात कही। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हबीवाला गामड़ी, हकीमपुर से गर्दन। धामपुर थाने में तहरीर दी है आग लगाने की आम के बाग में, क्या कुछ कहना है? देखो जी, पड़ोसी का खेत है, उन्होंने ही जानबूझ के आग लगाई है। तीनों हमारे गांव के व्यक्ति हैं, अंकित, राजीव और अमित। देखा आपने उन्हें आग लगा दी? मैं साक्षी था, वहाँ आम के बाग में आम तोड़ रहा था और मेरे सामने का किस्सा आया था। आपके सामने आग लगा दी? बिल्कुल। और ये सब जानबूझ के लगाई गई है, क्योंकि इनके खेत में तो कुछ है नहीं और हमारे में बाग बाग खड़े हुए, सारा नुकसान हमारा ही हुआ और ये हमारे साथ ही हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह है। ये जो कौन से गांव के रहने वाले? हकीमपुर सकरगंज। ये जो आम के बाग में आग लगाई है, कौन लोग हैं ये? ये एक तो राजीव है, एक अंकित है और एक अमित। थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ, दे रखी नाम। बिजनौर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।